शेजवान चिकन। शेजवान चिकन जो बेसिकली चाइनीज रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो चिकन डायरेक्ट हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा भी ब्रेक में सोचा कि क्यों ना इसको मैं उस तरीके से बनाऊं जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में बनता है। वैसे बगैर फ्राइंग के भी बनता है, लेकिन इसका बड़ा मज़ा आता है और ये बड़ा सिंपल है, बहुत दफ़ा बना चुका हूँ। तो चिकन हमने ले लिया और चिकन बोनलेस है ब्रेस्ट, और इसकी मकदार है 2 कप यानी तकरीबन 1/2 किलो। तो इसमें मैदा शामिल कर दिया, 1 अंडा और थोड़ी सी कुटी काली मिर्च और लाल मिर्च और नमक। बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा और इसी कोटिंग हल्की इसी बहुत बारीक कोटिंग होगी, ये रेस्टोरेंट वाली नहीं होगी। रेस्टोरेंट वाले तो इतना मैदा इस पर चढ़ाते हैं कि इतने से छोटे चिकन के पीस को इतना बड़ा कर देते हैं, इसी कोटिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर रख दिया, अगेन रेसिपी कार्ड में हमने चिकन को डायरेक्ट शामिल करना था, मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसको फ्राई करके शामिल किया जाए, ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। तो इसको मैं जब तक फ्राई कर रहा हूँ और मिक्स कर रहा हूँ, मैदा मैं थोड़ा सा और शामिल। तो बेसिकली जहन में रखिएगा अंडा और मैदा मेन है, बाकी नमक काली मिर्च या कुटी लाल मिर्च अगर शामिल करना चाहते हैं वो ऑप्शनल है। ये मिक्स हो गया, अच्छा जी ये आगे चिकन फ्राई हो रहा है और 2-5 मिनट का काम है। और ये आगे चिकन दोबारा, ये देखें और इसको हम निकाल रहे हैं। कलर इसका देख लिए, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा यार कलर ब्राउन होना चाहिए, कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होना चाहिए। चिकन पक चुका है, 100% पका हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, टेस्ट में अच्छा नहीं रहेगा। ये एक एक करके सारा चिकन निकाल लिया, शेजवान चिकन हो रहा है तैयार। सिंपल थोड़ा सा ऑयल, ये इसमें आ गई लहसुन, ये आ गया अदरक और तेज़ आंच पे होगा काम ये, और दोनों में सिजलर पे, कढ़ाई भी सिजलर पे सर्व कर रहा हूँ और ये शेजवान चिकन भी। ये थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, बस हल्का सा इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई, समझ लिया हमारा काम हो गया पूरा। सब्जियाँ जब भी चाइनीज़ बनाएंगे कभी भी इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। ये आ गया इसमें चिकन, अच्छा पीनट्स बहुत मज़े के लगते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद तो माइनस कर दीजिए। ये आ गए हरी मिर्च, आ गई कुटी हुई लाल मिर्च, आ गई चीनी, आ गई थोड़ा सा नमक, और ये आ गया इसमें गाजर, ये आ गया इसमें शिमला मिर्च, हरा प्याज जिसमें हमने आखिर में डालना है, फिलहाल मिक्स किया। उसके साथ इसमें आ गया केचप, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट में से आता है और सॉस जो है बेसिकली बनेगा इसी से। ये केचप आ गया और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आएगा, सॉस आप पे डिपेंड करता है कितना सॉस बनाना है आपने। मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया और इसके बाद इसको सिंपली मिक्स किया तेज़ आंच। सब्जियां जहन में रखिएगा आपने ओवर कुक नहीं करनी, जिस तरह अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसी ही आपने पकानी है, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाती हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट के जो खाने हम कहते हैं हमारे पास वो जायका क्यों नहीं आता, उसकी वजह ही होती है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया, इसको हम इसमें शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और हरा प्याज चूँकि बहुत नाजुक होता है और जल्दी पक जाता है यानी जलता है उसमें ओवर कुक हो जाएगा, हरा प्याज हमने बिल्कुल आखिर में शामिल किया। मैंने इसको कर दिया मिक्स, हॉट प्लेट्स हमारी रेडी हैं जिसमें हमने इसको करना है सर्व। और ये आ गया इसका हमारा वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट सोया सॉस, ये आ गई हमारी शेजवान चिकन। अच्छा इसकी सॉस देख लीजिएगा, अगर आपको सॉस इसमें कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ओह शेजवान चिकन, अच्छा चिकन बोनलेस क्यूब्स कट 2 कप, केचप 1.5 कप, मूंगफली रोस्टेड 1/2 कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, तेल 6 से 8 खाने के चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्च क्यूब्स कट 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, गाजर क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, हरी प्याज क्यूब्स कट 2 अदद, चीनी 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत।